बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मान नासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग आर्ट। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो मीरपुर में एक कल्याल में वाकया एक घर है और उस एक घर की छत पर मैं खड़ा हूँ और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इंसान का शौक़ होता है वो अगर वो उसे पूरा करना चाहे तो जगह मैटर नहीं करती, आप छोटी सी जगह पे भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं अभी मैं खड़ा हूँ जिस जगह पे, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी पेंटिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये एक छोटा सा घर है और इस घर की छत पे हमने जो है एक रूफ टॉप किचन गार्डन बनाया, साथ इसमें सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं और इसके अलावा जो हमने फूलों के जो प्लांट्स वगैरह वो भी रखे हैं। अभी मैं आपको वो सारी दिखाता हूँ वन बाय वन। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल गार्डनिंग आर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। इंशाल्लाह इस चैनल पे मैं आपसे जो गार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो ज़रूर शेयर किया करूँगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उस्मान नासर व्लॉग के नाम से, उस पर मैं डेली जो अपने रोज़मर्रा के व्लॉग्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। वो भी चैनल को आप ज़रूर विज़िट करें और उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी पेंटिंग है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से इस घर की छत पे कितना प्यारा खूबसूरत पेंटिंग हमने करवाई है और ये देखें कि देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये एक हाउस की पेंटिंग बनाई है, साथ उसके ये आप देख सकते हैं कि एक रास्ता भी है, फिर फ्लावर्स वगैरह, फिर उसके बाद ये ट्रीज़, फिर ये नीचे जो है एक तालाब है और तालाब में जो है डक्स वगैरह उनके बच्चे भी हैं। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। ये पेंटिंग जो है ये एक प्रोफेशनल पेंटर हैं, उन्होंने बनाया। उनका नाम और नंबर और जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और अगर आप लोगों ने भी जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने अगर बनवानी हो तो रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें ये कितनी प्यारी पेंटिंग है, ये देखें इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा एक गाँव का मंजर है और साथ ये ट्रीज़ पे बर्ड्स भी हैं और ये गाँव के घर लग रहे हैं शायद। उसके बाद ये एक रोड है और रोड ये एक डैम का व्यू पेश कर रहे हैं, पीछे पहाड़ भी हैं। उसी तरह ये साथ पे एक ये नाइट एक व्यू है, नाइट व्यू तो बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। ये देखें एक चाँद निकला हुआ है, फिर उसके बाद दरख्त पे परिंदे वगैरह बैठे हुए हैं, फिर ये एक हाउस भी है, एक छोटा सा हाउस है, उसके साथ स्टेयर्स भी हैं और बहुत प्यारा देखने में लग रहा है। अभी मैं आपको पूरा जो गार्डन का एक टूर कराता हूँ। ये देखें ये एक प्लांट है, ये बड़े गमले में ये जो है ना किन्नू का प्लांट है, ये आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह ये देखें कितना बड़ा प्लांट है। फिर उसी तरह आप ये देख सकते हैं ये कितनी प्यारी जो है ना गाड़ियाँ पेंट की हुई हैं और इनमें जो फ्लावरिंग प्लांट जो है ना लगाए हुए हैं, पनीरियाँ उनकी लगाई हुई हैं और ये भी कुछ दिनों तक ये भी हो जाएंगी तैयार। और ये जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसपे शॉपिंग बैग है, ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल सर्दी हैं और ये पनीरी लगाई हुई है तो ये कुछ दिनों बाद ये स्ट्रॉबेरी जो है ना तैयार हो जाएंगे पौधे। उसी तरह ये एक गाड़ी है, कितनी प्यारी लग रही है देखने में, ये देखें इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। फिर इसी तरह ये एक गमलों में प्लांट्स लगे हैं और यहाँ पर जो है ना किचन गार्डनिंग के लिए जो है ना जगह बनाई गई है और बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया था और उस आइडिया को यूटिलाइज़ किया है और उस देखें कितनी प्यारा जो है माशाल्लाह से एक रूफटॉप किचन गार्डन बन गया। तो अभी सर्दियों की वजह से थोड़ी सब्जियां इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर रही, लेकिन यह है कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह अगर हम टाइम से सब्जियां लगाएं तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकती हैं। उसी तरह ये देखें आगे भी हमने एक ये पौधा लगाया है, ये लेमन का पौधा है, ये भी बड़े बड़े जो गमले में लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे एक जो है ना क्यारी है, यहाँ पे प्याज वगैरह गोभी और ये पीछे सरसों का साग लगा हुआ है। ये माशाल्लाह ये तो काफ़ी घना भी है और कुछ दिनों तक ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको मैं थोड़ा सा विजिट कराता हूँ, ये इधर भी गमले पड़े हुए हैं और ये काफ़ी जो है ना रात की रानी और चमेली और मोतिया और डालिया ये सारे गुलाब ये पौधे वगैरह पड़े हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये इतनी ज़्यादा बॉटल्स हैं, इनको कलरफुल किया हुआ है और इनमें भी इंशाल्लाह जो है ना प्लांट्स हम लगाएंगे कुछ दिनों तक, क्योंकि ये अभी हमने कल परचेज़ किए हैं और उसके बाद अब इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे और ये भी लगाएंगे। इसमें जो है ना प्लांट्स बहुत प्यारे लगते हैं जिसकी वजह से हमने इनको पेंट किया और ये अभी इस पर पौधे लगेंगे। और इसी तरह यहाँ पर देखें ये स्टेयर्स कितनी प्यारी लग रही है,
देखने में भी प्यारी लग रही है कि कितने छोटे छोटे गमलों में जो है ना फूलों के प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं आपको ये सामने से दिखाता हूँ, ये देखें। आपने देखा कि इंसान अगर किसी चीज़ का शौक़ रखे तो वो शौक़ इंसान पूरा कर सकता है, जगह मैटर बिल्कुल नहीं करती। आप छोटी सी जगह पे आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत प्यारी लगी है जो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे ख्याल से ये नंबर वन इसको मैं दूंगा, नंबर टू इसको और नंबर थ्री इसको। वैसे तो तीनों पेंटिंग जो है प्यारी हैं, लेकिन मेरे से पूछें तो मैं नंबर वन इस पेंटिंग को दूंगा, क्योंकि इस पर एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा और ये एक बहुत ही प्यारा एक व्यू पेश कर रहा है। पेंटिंग सारी प्यारी है नो डाउट, लेकिन ये है कि अपनी अपनी एक राय है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो लोग रूफ टॉप गार्डनिंग करना चाहते हैं, रूफ टॉप गार्डन बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो जस्ट अपना एक फोकस रखें और एक माइंड बनाएं कि उन्होंने वो काम करना है और हर काम हो जाता है। कोई दुनिया में काम इम्पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक इजाज़त दी, अपना बहुत सहारा रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।